इधर केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल उपचुनाव की घोषणा की। उधर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा सीट के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और दल बदली का इनाम देते हुए बाबुल सुप्रियो के नाम की घोषणा बालीगंज विधानसभा सीट के लिए कर दी। यानी ये तय हो गया कि लोकसभा का उपचुनाव आसनसोल के सीट से शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल की ओर से लड़ने वाले हैं। लेकिन अब तक प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी की ओर से किसी भी उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लगी है और इससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती देखी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव के लिए आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैदान में बाबुल सुप्रियो और सायोनी घोष जैसे नेताओं के नाम सामने आने के कयास लगाए जा रहे थे, उसी तरह से बीजेपी की ओर से मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र तिवारी के नाम लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनते देखा गया। लेकिन सोमवार को बाराबंकी क्षेत्र में मिले कुछ पोस्टर्स ने भारतीय जनता पार्टी के बीच हड़कंप पैदा कर दी, जिनमें लिखा हुआ है कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जितेंद्र तिवारी को भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए। जब से उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हुए, भाजपा सभी चुनाव हारती रही है। पोस्टर्स के अंत में निवेदक के तौर पर आसनसोल के बंगला भाषा भाषी बीजेपी कर्मी लिखा गया है। इन पर्चों पर भाजपा के जिला सचिव साधन राउत ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से दल में मतभेद पैदा करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आसनसोले टीएमसी ग्रुपबाजी लबीबाजी तोलाबाजिर कारण आज के शतभागे विभक्त। এজন্য তাদের স্থানীয় কোনো নেতাকে এখানে প্রার্থী না করে সুদূর পাটনা থেকে এক বহিরাগত অভিনেতাকে প্রার্থী করে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বিজেপি চিন্তিত নয়, বিজেপি জানে আসানসোল থেকে তারা 3 লক্ষাধিক ভোটে জিতবে। মুশকিল হলো তারা সরাসরি বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই লড়তে না পেরে আমাদের জননেতা বিশিষ্ট আইনজীবী মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামে তারা বাঙালি বিহারি বিদ্বেষমূলক উচ্ছার ওটাচ্ছে। অথচ আপনারা সকলেই জানেন তথাকথিত বাঙালির থেকেও অনেক বেশি বাংলা সংস্কৃতির উপর আস্থাশীল আমাদের এই তিওয়ারিজি। আমরা টিএমসিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই, আপনারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে বিনা সন্ত্রাস বিনা ছাপ্পা ভোটে আসানসোল থেকে জিতে দেখান, পারবেন না। আমরা জানি এখানের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর ওপর আস্থা রাখেন, বিজেপির ওপর আস্থা রাখেন, আর আসানসোল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি 3 লক্ষাধিক ভোটে জিতবে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির চ্যালেঞ্জ, এটা নিবর্তমান মণ্ডল সভাপতি হিসেবে আমার চ্যালেঞ্জ, বর্তমান জেলা সম্পাদক হিসেবে এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। वही इस घटना पर बाराबंकी के विधायक सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय का कहना है कि जिनके पास कोई काम नहीं वह इस तरह के काम करते हैं, हमारा इन पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। কারো যদি কাজকর্ম না থাকে তাহলে ওইসব করে, নিজেদের পোস্টারগুলোকে তৃণমূলের নামে ছাপানো এটা আজকের নয়, ওদের বরাবরের স্বভাব আছে, তো সেই স্বভাবটা ওরা ছিল। আমরা আমাদের সাথে এর সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। অলরেডি আমাদের প্রার্থী ডিক্লেয়ার্ড হয়ে গেছে, আমাদের কর্মীরা সবাই ব্যস্ত এখন দিয়াল লিখন নিয়ে, নিজের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে কার কোথায় পোস্টার পড়েছে এই পড়েছে এটা ডিউটি নয়। ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে এসছে, ওই জন্য পাণ্ডবেশ্বরে জিতে চলে এসছে, ভয় আছে। अब जाहिर सी बात है, इस तरह के पोस्टर्स की जिम्मेदारी ना तो सत्ता दल के लोग लेंगे और ना ही जो निवेदक के तौर पर हैं वो। तो क्या ये पोस्टर किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाया गया है या किसी तरह का राजनीतिक भ्रम पैदा करने के लिए ये हरकत की गई? किसने ये पोस्टर्स लगाया, क्यों लगाया, सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब शून्य। देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वह कौन सा दिग्गज नेता है जो ताल ठोकते नजर आएंगे। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली देन वेलकम टू द पेपरी। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी एट होम। दी पेपरी, ग्राउंड फ्लोर ऑफ सेंट्रल मॉल ऑपोजिट बिग बाजार, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ।
डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल।